हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो भाई इस बार हम जाने वाले हैं, भाई मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो भाई आज हम जाने वाले हैं दिल्ली। तो भाई मैं दिल्ली में जितनी भी मतलब सारी प्लेसेस हैं उसमें मैं भाई शूट करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे व्लॉग पर। और अभी फ़िलहाल हम जबरेडा में हैं, तो यहाँ से ई रिक्शा लेकर जाएंगे देवबंद तक, फिर वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे, तो बने रहिए मेरे व्लॉग पर। तो भाई हम फिलहाल जबरेडा से तो चल चुके हैं और अब आगे जाके मतलब हम देवबंद तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम अपनी मेट्रो पकड़ेंगे भाई ट्रेन में बैठकर, फिर वहाँ से हम वहाँ जाएंगे मेरठ। भाई मेरठ पे हमारी भाई एक गाड़ी है वेन्यू, वो हमने सर्विसिंग के लिए छोड़ रखी थी, तो भाई हम लाना भूल गए थे, आज उसकी सर्विसिंग पूरी हो जाएगी। तो भाई मैंने सोचा कि आज हम सीधे ट्रेन से चले जाएँ मेरठ तक और भाई फिर वहाँ से मेट्रो में बैठ कर जाएंगे, फिर गाड़ी उठा के फिर वहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। तो भाई देखते रहो भाई कैसे कैसे हम जाते हैं। तो गाइस हम मेरठ तक तो पहुँच चुके हैं, अब हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली। तो भाई हम मेरठ से चल चुके हैं और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा रहा है भाई, ये देखो भाई ये क्या कह रहा है सब। मेरठ से दिल्ली और दिल्ली में जाएंगे हम, मजे करेंगे भाई। भाई मतलब कुछ भी भाई कुछ भी भोगता रहता है ये भाई, कुछ भी भाई मतलब कुछ भी भाई। बाहर का व्यू तो देखो भाई कितना मतलब खतरनाक आ रहा है, कितना कैंट आ रहा है भाई बाहर का व्यू। तो भाई फिलहाल हम मेरठ से तो भाई चल चुके हैं और अब सीधा जाएंगे लाल किले पे। वो भाई पीछे का भी देखो कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। अब हम सीधा लाल किले पे जाएंगे, फिर भाई जाएंगे लाल किले के बाद जामा मस्जिद में। वो उधर देखो भाई, उधर देखो क्या है। अच्छा भाई पापा बता रहे हैं कि ये भी कोई महल की दीवार है भाई, हम इसमें तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे को दिखानी है दिल्ली की ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो भाई अंदर से इतनी ब्यूटीफुल तो नहीं है, मैंने अभी पापा से पूछी है, इतनी ब्यूटीफुल नहीं है ये, खाली अंदर से सारा का सारा खोखला है। तो भाई इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, तो अभी आगे देखते हैं कि हम लाल किले में जाएंगे, वहाँ का भाई मैं व्लॉग दिखाता हूँ आपको, वहाँ में मैं शूट करूँगा थोड़ा। हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, अशब देख अशब देख, लाल किला दिख चुका है भाई सामने की साइड, देखो सामने की साइड। थोड़ा सा रुक जा भाई, ये गाड़ी वाड़ी आ रही है। बुरा भाई बुरा भाई, लाल किला दिख चुका है भाई, उसका झंडा भी भाई कितना मज़ेदार लग रहा है भाई देखने में भाई, बहुत ही कैंटू आ रहा है भाई इधर का, कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लग रहा है लाल किला। तो भाई अंदर से भी देखेंगे कैसा है ये, मेरे को तो लगता नहीं कि अंदर से कुछ खास होगा इसमें, लेकिन भाई बाहर से जो देखने में व्यू आ रहा है ना वो कुछ अलग ही मज़ा है। और भाई पापा ने अभी मेरे को बताया कि यहाँ पर ना भाई हर साल में दो बार तो यहाँ पर मोदी आता है, एक तो भाई 26 जनवरी में और एक 15 अगस्त में यहाँ पर भाई मोदी झंडा फहरा के जाता है। तो भाई अगर आप भी दिल्ली में हो ना तो भाई 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ज़रूर आना है यहाँ पर भाई, यहाँ पर भाई मोदी को आप फेस टू फेस देखोगे ऊपर से, वो भाई जब वो उतरेगा भाई उसके साथ आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा लो भाई, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा भाई उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाने में। तो भाई फिलहाल अभी हम जाते हैं। तो गाइस हम यहाँ पर पार्किंग करके आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है पापा कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है कुछ। तो गाइस आपको भी दिखाते हैं हम पूरा लाल किला। यार कितना बड़ा है ये। तो भाई फिलहाल हमें एक जगह से पता अंदर भाई घुस चुके हैं हम, तो भाई अब बहुत आगे जाके दूसरी साइड से तो इसका गेट है, तो चलते हैं भाई बहुत आगे जाके इसका गेट। तो भाई मैं चलता हूँ भाई, पूरी फैमिली जा रही है हमारी आगे जाके, भाई देखते हैं भाई क्या खास है इस लाल किले में, जो भाई इतनी भीड़ हो रही थी भाई यहाँ पे, भाई मेरे को मतलब थोड़ा डर सा लग रहा था यहाँ पर आके, इतनी कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। और भाई ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, दूर से तो भाई रोड पर से भाई देखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन भाई जब मैं इसके अंदर घुसा ना भाई भाई ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं किस चीज़ के अंदर घुस गया भाई, चारों तरफ दीवारें ही दीवारें। और भाई चलो अब अंदर चलते हैं हम, यहाँ पे मज़ा आ रहा है भाई बहुत, आप भी आना भाई लाल किले में, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन भाई अभी अंदर जाके देखेंगे, बाद में बताऊँगा मैं लाल किले से निकलने के बाद कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा वो लोग देखना भाई मज़ा बहुत आएगा इस लोग में। ये देखो भाई कैसे कर रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही डरा रहा है भाई यहाँ पे आके। तो भाई चलो हम आगे चलते हैं, फिलहाल आपको भी दिखाते हैं ये पूरा लाल किला।
गाइज हम फिलहाल लाल किला में तो आ चुके हैं और यहाँ पर भाई सामने देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, आपको भी दिखा दूँ मैं। ये देखो भाई ये बिल्कुल गार्डन सा है भाई देखने में तो, और भाई ये दूसरी साइड गेट है और यहाँ पर मतलब गमले वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर। तो भाई फिलहाल हम आगे चलते हैं, देखेंगे भाई क्या क्या है इसमें खास चीज़। चलो भाई भाई मतलब यहाँ पर आके मज़ा तो बहुत आ रहा है, यहाँ का एक शायद से बाज़ार भी है भाई, आगे जाके शायद से पता चलेगा वो कहाँ पर है बाज़ार, तो भाई देखेंगे। चलो भाई चलते हैं फिलहाल, तभी आगे की साइड चलेंगे। भाई बहुत भीड़ है भाई यहाँ पर, मतलब बहुत ही भीड़ है। और भाई अशुभ कहाँ पे है भाई, ये मतलब अपना ही मगन में फिर रहा है भाई ये। तो भाई फिलहाल हम तो चलते हैं आगे की साइड, यहाँ पर हर एक साइज़ के लोग मिलेंगे आपको, आके देखना एक बार। तो भाई चलो हम तो चलते हैं आगे की साइड। भाई ये है यहाँ का म्यूज़ियम, भाई ख़तरनाक है बिल्कुल भाई। शुरू में तो मेरे को बहुत मज़ा आया इसमें घूमने में, आगे जाके देखेंगे भाई क्या खास है इस म्यूज़ियम में। भाई ये देखो भाई 1857, ये भाई कोई नंबर सा दे रखा है इसमें ऐसी। और भाई ये कितनी मोटी मोटी रस्सी है इस साइड पे। तो फिलहाल आगे की साइड चलते हैं भाई, बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक से चित्र से भाई छाप रखे हैं इस जगह पर। तो भाई चलो भाई आगे। भाई ये देखो बहादुर सिंह भाई, ये राजा वगैरह है यहाँ पर। भाई ये है भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। भाई ये भी भाई बहुत ख़तरनाक लग रहा है देखने में। और भाई ये चित्र भाई जिनने भी भाई यहाँ पर बनाया होगा ना भाई, उसको मज़ा तो भाई बहुत आता होगा बनाने में। भाई लाल किला भी इंजॉय करो और भाई ये सब बनाओ। तो भाई मतलब कितने मज़ा आ रहा है इस जगह पर म्यूज़ियम में। तो भाई अंदर भी जाएंगे, मतलब मेरे को भी पता चला है कि यहाँ पर बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। तो भाई फ़िलहाल तो अंदर जाके पता चलेगा कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर बहुत ही भीड़ हो रही है म्यूज़ियम में, तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही है। भाई ये क्या है भाई, सच में भाई ये तो भाई सच था भाई, ये देखो तलवार भाई, ये राजा महाराजाओं के भाई जमाने की तलवार है ये। भाई ये देखो भाई धनुष, भाई कितने सारे वो हैं इसके अलग अलग तरह के तीर वगैरह। भाई आगे भी तो कुछ, भाई ये भैंस के सींग है, जो सांड वांड होता था पहले उसके सींग है भाई। और फ्रेम में भाई उर्दू वगैरह भी लिखी है भाई, फ्रेम वगैरह में उर्दू भी बहुत सारे लिखी हुई है। और भाई ये यहाँ पर भाई कुछ बता रहे हैं, मतलब समझा रहे हैं वगैरह वगैरह, पुराने ज़माने की बातें वगैरह समझा रहे हैं। इस साइड ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा भाई, दूसरी साइड चलते हैं, उस जगह पर भी कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। भाई इधर भी कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है ऊपर से, भाई पता नहीं क्या चल रहा है। भाई मज़ा आ रहा है भाई कुछ ज़्यादा, कुछ क्या कहूँ भाई, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है इस साइड। भाई ये है यहाँ का दूसरा रूम, और यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह की बंदूक। ओ भाई भाई ये देखो भाई खंजर, भाई मतलब जिससे पहले ज़माने में लड़ाई वगैरह बचती थी वो खंजर। और भाई ये है बंदूक, भाई मस्त लग रही है। और भाई ये भी बस सेम भाई ये वाले दोनों। और भाई ये खतरनाक लग रहा है कुछ, ये तो वो है भाई वाला हथियार है जो वुल्वरीन के पास होता था, आपने अगर देखा होगा भाई। तो भाई मतलब आपको तो पता ही होगा वुल्वरीन भाई कार्टून है। भाई ये है कुल्हाड़ी, और भाई ये भी एक देसी कट्टा सी है भाई, आप यूट्यूब पे भी सर्च मार के देखना वुल्वरीन, उसके हाथ में वही वाला खंजर सा दिखेगा हाथ में पकड़ा हुआ। तो भाई ये बैठने वगैरह की जगह है। और इस साइड भाई ये भाई मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इस साइड भी भाई बहुत मज़ा आ रहा है। भाई ये देखो भाई कार 98, भाई पबजी फ्री फायर में तो भाई हमने बहुत इससे शूट मारे हैं भाई, स्कोप लगा कार 98 से भाई मज़ा आ गया। भाई ये भी सेम है जैसा वुल्वरीन के पास होता है सेम वैसे ये। और भाई यहाँ पर अलग अलग तरह की देसी कट्टा वगैरह वगैरह रखे हैं। और भाई ये वाली बंदूक भी बहुत मस्त है, ये देखने में भाई कुछ ज़्यादा ही अलग लग रही थी भाई एक नली की। वो भाई ये वाली भाई मैंने देखी है, वो वाली मूवी है फिर हेरा फेरी, उसमें भी आती है भाई ये वाली बंदूक। वो भाई यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर वगैरह लग रहे थे, मतलब भाई दिल्ली लाल किला, दिल्ली म्यूजियम लाल किला। अब ऊपर चले हैं बाहर, तो भाई घूम के मज़ा आया, कुछ और ना हो भाई घूम के बहुत मज़ा आया यहाँ पर।
तो भाई अब देखते हैं कि दूसरा रूम भी है का कहीं को, तो ऊपर की साइड, हाँ ऊपर की साइड आ गए भाई हम। तो इस वाले रूम में, ये वाला रूम तो भाई शायद से देख लिया है हमने। हाँ भाई ये वाला रूम तो देख लिया भाई, तलवार वाला ही तो है ये। नहीं भाई नहीं, ये वाला अलग है शायद से, ये हाँ भाई ये वाला अलग है, ये वाला अलग है भाई। इसमें तलवार भाई कुछ ज़्यादा अलग लग रही है, अलग सी तलवार है भाई, कुछ अलग सी तलवार है। और ये तू भाई, तोप के गोले भाई, तोप के गोले को भी आपने देखे भी नहीं होंगे भाई। आप आओ जल्दी आओ भाई लाल किला में भाई, मेरे को तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ लाल किला में भाई। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ देखने को मिली है भाई। ये देखो भाई राजा के कपड़े भाई, ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है राजा के कपड़े भाई, ऐसे ही होते हैं। और भाई ये देखो रानी के कपड़े भाई, यहाँ पर मतलब पुराने जमाने के कपड़े भी हैं। और भाई मेरे को ये भी सुनाई में दिया है कि भाई यहाँ पर लाल किला में खजाना भी था, तो अंग्रेज ले गए थे उस खजाने को। ये भी भाई मेरे को पता चला कि उस खजाने को अंग्रेज भी ले गए थे यहाँ पर, जो खजाना था। तो भाई चलो अभी तो दूसरे रूम में जाकर देखते हैं कि और क्या खासियत है दूसरे रूम में। तो भाई वहाँ से तो हम निकल चुके हैं। और भाई ये देखो भाई जुमा मस्जिद भाई, कुछ अलग ही हो रहा है भाई। इसके अंदर भी भाई शायद से वही टाइल लग रही है जो उनसे लाल किले में लग रही है भाई, दोनों एक जैसी दिखती हैं। कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है भाई। तो इनकी भाई सीढ़ियाँ मैं लास्ट में काउंट भी करूँगा भाई, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। वो भाई इस बंदे को देखो भाई, ये मतलब मस्त में अपना झूलते झूलते आ रहा है, और पीछे से भाई ये कहाँ रह गए यार। मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग हो रही है, मम्मी पापा तो यहाँ पर पहले भी आए हुए हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आप जुमा मस्जिद में भाई, बहुत तगड़ा मतलब कैंट व्यू आ रहा है बहुत। तो भाई मतलब ये क्या है, मतलब चप्पल उतार के जाना है भाई अंदर, वो फिर साइड चप्पल उतारी जाएगी। तो भाई रुक जाओ, पहले पापा को आने दो। पापा आ जाओ जल्दी। तो भाई पापा तो आ रहे हैं। तो देखो भाई आप खुद देखो, टेक ऑफ योर शूज, मतलब भाई शूज उतारने होंगे पहले, शूज या फिर चप्पल वगैरह जो भी पहन, इधर साइड उतारने हैं भाई। चप्पल उतारने की भाई 10 रुपये, कोई बात नहीं भाई, चप्पल उतार के जाएंगे अंदर भाई। इधर कुरान वगैरह भाई बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं भाई, सब यहाँ पर चप्पल उतार रहे हैं भाई। हम 5 जने हैं तो भाई 50 रुपये देंगे हम बाद में इसको, 10-10 रुपये जोड़ के भाई एक चप्पल उतारने के भाई 10 रुपये हैं भाई। सब चीज़ की फैसिलिटी है यहाँ पर। तो भाई ये चद्दर की गेर रखी है यहाँ पर भाई साहब, कितना खतरनाक मतलब कैंट व्यू आ रहा है भाई यहाँ पर भाई, मज़ा आ गया भाई। ये चद्दर इसलिए गेर रखी है जिससे किसी के पैर जला ना हो भाई, मेरे तो पैर बहुत जल गया है, जल्दी 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 भाई किसी चद्दर पे जल्दी जाना पड़ेगा भाई, पैर बहुत जल गए भाई मेरे भाई। ये वाला गर्म हो रहा है देखो, तो इसके ऊपर चलना होगा शायद से पत्थर के ऊपर। भाई यहाँ का व्यू बहुत तगड़ा है, और भाई वाला बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर भी, इतनी खुली जगह पर भाई, यहाँ पर बच्चों को क्रिकेट खेलना चाहिए भाई। सामने देखो भाई कितने सारे कौवे मतलब पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, एक बार देखो तो आप। भाई आगे स्विमिंग पूल भी है क्या इसमें? ऐसा तो भाई लग रहा है ये, क्योंकि स्विमिंग पूल जैसा ही है, गहरा भी होगा यार, चल के तो देखें एक बार। भाई ग्रीन ग्रीन कलर का पानी है भाई, ग्रीन कलर का पानी। भाई एक बात बताऊं भाई, देखो सबसे ऊपर देखो भाई, आपको लोग दिख रहे होंगे भाई सबसे ऊपर भाई। उधर भी जाने का रास्ता है क्या कहीं से? होगा उधर भी जाने का रास्ता होगा भाई। इधर तो भाई मैं एक बार चला गए,
गहरा है भाई बहुत, मैंने पूछा है पापा से गहरा बता रहे हैं, तो इधर से भाई नहीं जाना चाहिए वरना फिर मोबाइल वगैरह गिर गया तो भाई पूरे लोग कैसी की तैसी हो जाएगी, तो इधर ही घूमेंगे अभी फिलहाल। दूसरी चद्दर की तरफ चलते हैं भाई, ऐसा फर्श तो बहुत गर्म हो रहा है तो पहले इधर इधर की साइड आ जाओ पहले। हाँ इधर फर्श गर्म नहीं है तो चद्दर की साइड आ जाओ भाई। तो भाई आप भी आना मतलब इसमें जमा मस्जिद में भाई, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मेरी तो बस यही राह रहेगी कि भाई आप भी आओ यहाँ पर आके घूमो, क्योंकि भाई जो यहाँ पर आने का भी मज़ा है ना वो अलग ही है। तो भाई आप भी आओ, भाई उधर की साइड देखो, उधर की साइड, उधर की साइड भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई, क्या मस्त व्यू। और इधर की साइड भी दिखा देता हूँ मैं आपको भाई, मेरे को मतलब एक तो भाई गेट नंबर ये दो है, ये वाला है, उधर वाला, उधर उधर वाला गेट नंबर तो दो है, और जो उधर है मतलब जहाँ से हमने एंट्री कर दी वो वाला वो थ्री है, और वन शायद से ये वाला है जो सबसे बड़ा गेट है ना वो वाला वन है शायद से। तो भाई फिलहाल मैं थोड़ी देर तक चद्दर में खड़ा हो गया हूँ, तो भैया आपको मैं मतलब दिखाता हूँ व्यू इसका। भाई इधर कई बच्चे मतलब स्कूल से भी आए हुए हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। तो भाई मेरे को मतलब पानी से, पानी के पास तो नहीं जाना भाई, मेरे को सबसे सबसे अच्छा मतलब गेट नंबर भाई ये वाला लगा भाई, इसमें अलग ही मजा है इस वाले गेट में। तो भाई जुमा मस्जिद भी घूम लिया, अब जाएंगे बाहर यहाँ से, अब पता नहीं भाई, अब तो फिलहाल पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो चलो चलते हैं। इधर से भाई मैं सीढ़ी भी काउंट करूँगा, तो अभी देखते हैं भाई, व्यू तो भाई यहाँ का बहुत तगड़ा आ रहा है। इस साइड देखो भाई कितना मतलब मज़ा आता है इस साइड का खड़ा होके। भाई कितना मज़ा आ रहा है भाई, कितना बड़ा गेट है ये भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब जाएंगे अब घर सीधा, तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस, भाई पूरी सैंतीस सीढ़ी है। तो भाई जुमा मस्जिद से हम भाई मस्त अपने घर आ गए थे, यहाँ पर दिल्ली में भाई हमारे भैया का घर है तो वहाँ पे आ गए थे। तो भाई फिलहाल रात हो चुकी है, तो भाई मेरे को लगता है कि अब हमें को इंडिया गेट जाना होगा भाई, मतलब इंडिया गेट का रात को ही मजा है, दिन में तो ऐसे ही है वो जैसे जुमा मस्जिद की वो गेट देखने में जाने का रास्ता देखेंगे किस साइड है भाई, रास्ता नहीं मिल रहा हमको, देखेंगे भाई किस साइड है इसका रास्ता।
तो भाई फिलहाल मतलब जामा मस्जिद से हम इधर आ गए थे घर की साइड को, तो अब आए हम इंडिया गेट को, आगे से रास्ता है फिलहाल, आगे जाके आपको रास्ता दिखाएंगे, इंडिया गेट दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो भाई मैं आगे ही जा रहा हूँ, आगे से उस साइड से रास्ता है दूसरी साइड से, तो भाई दिखाएंगे आपको। लोग बंद कर दूंगा, सुबह के टाइम जाएंगे भाई वहाँ पर कमल मंदिर जाएंगे कल को, तो तो भाई फिलहाल लोटस टेम्पल तो हमको दिख चुका है, मतलब कमल मंदिर, तो भाई इसको देखते हुए हम जाते हैं इसकी ओर। और भाई देखो कितना मजेदार लग रहा है भाई, दूर से तो देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है इसको, तो अब इसकी तरफ जाएंगे। इंडिया गेट से आते ही हम घर आके मजे से सो गए थे, तो अब सुबह हुई है तो आए हम लोटस टेंपल, दिखाते हैं आप सबको।
भाई फिलहाल बाहर निकल चुके हैं यहाँ से, अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, लेकिन भाई मैंने बहुत चुपके से भाई थोड़ी सी वीडियो बनाई है अंदर, भाई लोटस टेम्पल की थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने। तो अभी यहाँ पर चप्पल वगैरह पहनेंगे फिर जाएंगे बस घर भाई, लोग शायद से यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सीन और लेना है कल का, तो देखेंगे भाई अब घर जाएंगे। मैं व्लॉग बंद करता हूँ फिलहाल, देखेंगे फिर बाद में क्या करेंगे। गाइस लोटस टेम्पल से तो हम निकल गए थे, तो रात हो गई है, तो भाई हमने मोटरसाइकिल लगा दिया है पार्किंग पे, खाना भी खत्म हो गया। फिलहाल भैया कह रहे हैं कि बर्गर खिला के लाएंगे, तो भाई हम दोनों ने अभी फिलहाल हेलमेट पहन लिया है, इन्होंने ब्लैक कलर का और मुझे पहनाया है ये पिंक कलर का लड़कियों वाला। तो भाई अभी तो आगे जा रहे हैं हम, फिलहाल देखेंगे कहाँ। तो भाई फिलहाल मस्त अभी बर्गर वगैरह खा के हम आ चुके हैं और अब घर जा रहे हैं, कल सुबह से ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। नाना नानी आ रहे हैं घर को, मोदी से वो हज करके आ रहे हैं सऊदी अरब से। तो भाई कल को मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, तो वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो भाई अभी हम करते हैं ब्लॉग। तो भाई फिलहाल एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, आप देखेंगे कब आएंगे नाना नानी। तो चलो भाई देखते हैं कहाँ पर।
गेम प्ले वीडियो मस्त जोक मारा रे या हंस रे हल्का ढास अर्जुन अर्जुन में लोग बना रहा आगे देख रोल सुन रहे खड़ी मेरा भी स्वागत हो रहा है अरे कहना क्या चाहते हो तो बहुत मजा आया है तो भाई जैसे कि मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो भाई मैंने कैसे मतलब कैसे बोला है कैसे मैंने मतलब दिखाया है सब कुछ टूर वगैरह पे पर कैसे मैंने ब्लॉगिंग किया है भाई आप कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको ऐसी ब्लॉग चाहिए तो भाई आपको आरपी लंसारी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर तीनों करने होंगे तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में अभी मैं करता हूँ एडिटिंग तो बाय।